हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत 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 आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सफर पर लेकर जा रहे हैं, एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिस देश का अपना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश को नेचर ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ के लोगों के बीच में नाचने का और म्यूजिक का बहुत क्रेज है और सब यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। अफ्रीका के इस देश के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ये देश सैलानियों का पसंदीदा है क्योंकि यहाँ पर मेहमान नवाजी काफी अच्छी होती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन देश मॉरिशस की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश मॉरिशस के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक आइलैंड नेशन है। मॉरिशस जनसंख्या के मामले में दुनिया का 170वां बड़ा देश है। देश के सिर्फ 41% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि 59% गांव में रहते हैं। मॉरिशस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अंग्रेजी की। वहीं कुछ लोकल लोग मॉरिशस क्रियोल भाषा में भी आपस में बात करते हैं। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी शहर है। ये देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है जहाँ लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर होने के नाते ये प्रमुख बंदरगाह भी है। वेल, आपको बता दें कि मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसे हिंद महासागर में स्थित मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस देश की कुल आबादी में से 49% हिंदू है, 30% ईसाई और 17% मुस्लिम है। यहाँ पर कई सारे खूबसूरत मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इतनी बड़ी संख्या में कैसे इस देश में भारतीय लोग आते हैं। दरअसल बात करीब सन 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि उत्पादकों पर ही निर्भर थी, इसलिए गन्ना खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारत से मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिशों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत से गए हुए मजदूर वहां हमेशा के लिए बस गए। ज्यादातर भारतीय होने के कारण कहीं ना कहीं इस देश में भारत की झलक देखने को मिलती है। अगर आप कभी मॉरिशस घूमने जाएं तो आपको दिखेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेत, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत, केरल के बरसाती गाँव जैसे गाँव के माहौल और बिहार के किसी गाँव की तरह भोजपुरी बोलते लोग। मॉरिशस के किसी भी गांव में आपको भारतीय परिधान साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, कजरी या रतवाई गाती हुई महिलाएं दिख जाएंगी। यहाँ के हर घर के बाहर तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया एक आम बात है। मॉरिशस में बहुत से हिंदू मंदिर हैं। माँ दुर्गा की यहाँ 33 मीटर ऊंची मूर्ति है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा है। मॉरिशस में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया में नहीं है, मतलब कि इस देश में भारत के सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यहाँ पर दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, साथ ही छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो साथ ही दुर्गा पूजा भी यहाँ जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। भारतीय होने का एक फायदा है इस देश में, वो ये कि अगर कोई भी भारतीय दुनिया के अन्य देशों में घूमने के लिए जाता है तो टैक्स के तौर पर वीजा का पैसा वहाँ की सरकार को देना पड़ता है। मगर मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है और इस वजह से यहाँ पर भारतीय बिना वीजा के घूम सकते हैं। मॉरिशस के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं। यहाँ पर ईश्वर के ऊपर सबका विश्वास होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक औसतन आदमी चाहे किसी भी धर्म को क्यों न मानता हो, एक साल में 700 घंटे वो धार्मिक कामों में लगा देता है। मतलब ये है कि एक साल में 29 दिन यहाँ के लोग धर्म के नाम पर समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, मॉरिशस के लोगों को शांत माना जाता है। यहाँ पर कभी भी धर्म के नाम पर कोई बवाल नहीं हुआ है। लोग यहाँ शांति से जीना पसंद करते हैं और लोगों का मानना है कि आप भी खुशी से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। अब मॉरिशस देश में शांति है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आप किसी को अपनी बातों में फुसला नहीं सकते हैं। देश की लिटरेसी रेट है लगभग 92%। यहाँ की सरकार इस बात को लेकर काफी सीरियस है और इसे 100% करने के लिए पूरी ताकत लगाती है और इसीलिए मॉरिशस में सबको स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया है। देश की एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है और बच्चों को इतने मजेदार तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि वो खुद ही स्कूल आया करें। मॉरिशस की सरकार अपने लोगों से बहुत प्यार करती है। इस देश में कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं
जिससे कि हम सबको सीख लेनी चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट्स, अपंग इंसान और बूढ़े लोगों से किसी भी तरह का कोई भी अपने आने जाने का पैसा नहीं लिया जाता। मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले लोगों को ही बस और ट्रेन का किराया देना होता है। यहाँ की सरकार को पता है कि ना कमाने वाले और अपंग या बूढ़े लोगों के लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। मॉरिशस पर तीन तीन देश ने राज किए हैं। सबसे पहले नंबर पर है नीदरलैंड, जिन्होंने 1638 से 1710 तक इस देश पर राज किया। उसके बाद आता है फ्रांस, जिन्होंने 1715 से 1810 तक के बीच में यहाँ पर शासन किया। और उसके बाद आता है ब्रिटेन का नाम, जिन्होंने इस देश में 1810 से 1968 के बीच में राज किया। मॉरिशस में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। जी हाँ, इस देश में आपको हर जगह गन्ने के पेड़ नजर आएंगे। गन्ने की खेती की वजह से ही यहाँ की इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है। देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार ने भी खूब सारे स्कीम्स निकाले हैं। वह चूंकि ये आइलैंड चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, ऐसे में मॉरिशस के लोगों के बीच में मछली पकड़ने और उसे दूसरे देशों में निर्यात करने का भी बड़ा बिजनेस है। यहाँ से सी फिश को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है, जिसमें से एक भारत भी है। ये भी मॉरिशस देश का एक बड़ा इनकम सोर्स है और साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा मॉरिशस में एक और इंडस्ट्री जो काफी तेजी से फल फूल रही है, वो है यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री। मॉरिशस में हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए। इस काम से भी यहाँ के लोग अब खूब पैसा कमा रहे हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए टूर ऑर्गेनाइजेशन करके और साथ ही उनका गाइड बनकर यहाँ के लोगों की सोच है कैसे भी करके पैसा कमाना और देश को आगे लेके जाना। यहाँ का प्रति आदमी आय सालाना लगभग 17 लाख रुपए है, जो भारतीय लोगों की औसतन इनकम से करीबन 3 गुना ज्यादा है। बस इतना ही नहीं, मॉरिशस में सबसे ज्यादा होटल बिजनेस से लोग पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर हर साल तकरीबन 13 लाख लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। इसी आंकड़े को देखते हुए यहाँ होटल बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है। मॉरिशस के विदेशी व्यंजन आपको बेहद पसंद आएंगे। यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन कैरी पॉल, ढोलपुरी, माइंड फ्रिट है। यहाँ सबसे ज्यादा राइस को ही खाया जाता है और राइस से ही ज्यादातर डिशेस को तैयार किया जाता है। मॉरिशस में खाने पीने की हर चीज बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ घी, दूध, मक्खन, सब्जियां, अनाज, कपड़े आदि सब कुछ विदेशों से आयात किया जाता है। यहाँ ज्यादातर खाने की वस्तुएं दक्षिण अफ्रीका से तथा कपड़े और गहने भारत, जापान और कोरिया से आयात किए जाते हैं। वेल, मॉरिशस के लोग बहुत हेल्दी हैं और बहुत फिट भी, तभी तो ये कम से कम 75 ईयर्स तक जीते हैं। यहाँ के लोग अपने फिटनेस को लेकर इतने सीरियस है कि यहाँ पर सुबह या शाम एक वक्त ये जरूर एक्सरसाइज करते हैं। मॉरिशस की प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। मोती के समान सुंदर तथा सफेद मॉरिशस के चारों तरफ 100 मील का समुद्री तट और मीलों तक फैली रुपहली रेत ही इसका मुख्य आकर्षण है। यहाँ के समंदर के तट पर रेत इतनी सफेद है कि आप इसे बर्फ समझने की गलती करेंगे। समंदर के किनारे आराम कुर्सी पर लेटकर कॉकटेल लेते हुए धूप सेकने का मजा ही कुछ और है। प्रकृति ने इस आइलैंड को इतना खूबसूरत बना दिया कि दुनिया के हर कोने से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सैलानियों का मन मोह लेती है। दुनिया में मॉरिशस से ज्यादा रोमांटिक जगह और कोई नहीं है, इसीलिए तो ये हनीमून मनाने जाने वालों में खास पॉपुलर है। इस देश की खूबसूरती कितनी है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लेजेंडरी अमेरिकन राइटर मार्क ट्वाइन, इन्होंने एक बार लिखा था कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया था और उसके बाद स्वर्ग। मतलब ये है कि मॉरिशस हद से ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आपको अपनी ओर ना खींचे, इसीलिए मार्क ट्वाइन ने लिखा था कि मॉरिशस को देखते हुए स्वर्ग को बनाया गया था। डोडो नाम की खूबसूरत पक्षी के कारण मॉरिशस पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि डोडो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, जो अब विलुप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ आज भी बड़े बड़े कछुए मिलते हैं जिन पर बैठकर आप आराम से सवारी कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पीले रंग का एक परिंदा पाया जाता है, जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस के लोगों के बीच में डांस करने का और म्यूजिक का, ये दोनों ही चीजों का सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर कोई भी ऐसा त्योहार या मौका नहीं होता जहाँ आपको लोग डांस करते हुए नजर न आए। यहाँ जब तक कोई किसी फंक्शन में जमकर नाचे ना, तब तक लोगों को लगता ही नहीं कि एंजॉय किया है। तभी यहाँ के लोग हर मौके पर डांस के साथ चौगा लगाते हैं। साथ ही यहाँ पर भोजपुरी गाने बड़े फेमस हैं। अगर आपको यहाँ कहीं भोजपुरी गाने सुनने को मिले तो चौंक मत जाइएगा। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए मॉरिशस सबसे बढ़िया जगह है, जहाँ आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स का लुफ्त उठा सकते हैं। और अगर आपको मछलियां पकड़ने का शौक हो
तो यहाँ होटलों और रेस्टोरेंट्स में तमाम उपकरणों से लैस नाव मिल जाती है, जिसमें बैठकर टूना, सेलफिश आदि मछलियां पकड़ी जा सकती है। साथ ही यहाँ के समुद्र तट में आप लंबी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मॉरिशस में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इंडियन नहीं हैं तो बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। आपको मॉरिशस घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 60 से 70 हजार रुपए खर्च करने होंगे। मॉरिशस की करेंसी मॉरिशियन रूपी है, जिसकी वैल्यू लगभग 2 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका का सबसे खूबसूरत देश मॉरिशस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना न भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।